अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाला हूं, और वो है विंडवर्ड एंड लीवर्ड। ये टू टर्म जो है इसको हम बार बार इकोलॉजी में यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो विंडवर्ड एंड लीवर्ड की तरफ हम आएंगे, इससे पहले आप लोगों ने टू पॉइंट जो उसको नोट करने होंगे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपसे कोई पूछ भी सकता है। और वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि फर्स्ट जो पॉइंट है, आपसे अगर किसी ने पूछा कि जो मॉइस्ट एयर होती है और जो ड्राई एयर होती है, इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और किसकी डेंसिटी कम होती है, तो जो ड्राई एयर होती है इसकी डेंसिटी हाई होती है और जो मॉइस्ट एयर होती है इसकी डेंसिटी लो होती है, कम होती है। अगर रीजन पूछना है तो आप कमेंट में रीजन पूछ सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि कोल्ड एयर एंड वार्म एयर, इसको हम हॉट एयर भी कहते हैं, इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और किसकी डेंसिटी कम होती है, तो यहां पर जो कोल्ड एयर है इसकी डेंसिटी हाई होती है, ज्यादा होती है, और जो वार्म एयर है इसकी डेंसिटी लो होती है, कम होती है। अगर रीजन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस टॉपिक में, इस विंडवर्ड एंड लीवर्ड की टॉपिक में हमने कोल्ड एयर और वार्म एयर की बात करनी है। अब आते हैं विंडवर्ड एंड लीवर्ड की तरफ, इसका क्या मतलब है। कंसीडर कर लें कि ये हमारे साथ माउंटेन है, पहाड़ है। अब यहां से विंड जो है ये आ रही है विंड, और इस माउंटेन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विंड जो है ये यह अपवर्ड मोमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेगी, अपवर्ड मोमेंट। हाँ, तो जो कोल्ड एयर है, कोल्ड पहले भी मैंने वहां पर बताया कि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है, ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगी, कोल्ड एयर वो इस माउंटेन को क्रॉस कर लेगी और यहां से डाउनवर्ड मूवमेंट जो वो करेगी और यहां पर चली जाएगी। और जो हॉट एयर है या जो वार्म एयर है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैं पहले बता चुका हूं, वो लो होती है, कम होती है, तो वो बजाय इसके कि वो इस माउंटेन को क्रॉस कर ले, वो कहां चली जाती है, वो अपवर्ड चली जाती है टू द एटमोस्फेयर। हॉट एयर जो है वो अपवर्ड चली जाती है, तो यहां पर क्या हो जाता है, इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ये आते हैं टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और इस रेन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में, एक लेक्चर में मैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर भी नोट कर रहे हैं, इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं ऑर्थोग्राफिका आर ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, यानी इस रेन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं ऑर्थोग्राफिक और ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब आते हैं विंडवर्ड एंड लीवर्ड की तरफ। तो ये जो साइड है माउंटेन का, जहां पर ये जो एयर है या ये जो विंड है ये अपवर्ड मूवमेंट करती है, इस साइड को हम नाम देते हैं विंड वार्ड, और ये जो साइड है
माउंटेन का, जिसको हम नाम देते हैं, यानी कि जहां पर ये एयर जो है ये डाउन ऑन मोमेंट करती है, इसको हम नाम देते हैं लीवर्ड साइड। और यहां पर ये पॉइंट भी नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो माउंटेन का विंडवर्ड साइड होता है, इस साइड पर बारिश जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इस साइड पे विंड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, और इसी वजह से जो हॉट एयर है वो एटमोस्फेयर में चली जाती है, वहां पर वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट में, और फिर वो नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेना। तो विंड वार्ड साइड जो है माउंटेन का, इस साइड पे बारिश ज्यादा होती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक विंड वार्ड एंड ली वार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।